अस्सलाम वालेकुम। हम में से हर एक ने अनारकली की मोहब्बत के खास चर्चे तो सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं अनारकली आखिर थी कौन और क्या वाकई अनारकली को दीवार में चुनवा दिया गया था? अनारकली का असल नाम नादरा बेगम उर्फ शर्फ-उन-निसा था। ये एक ईरानी खानदान से ताल्लुक रखती थी। अनारकली के अफसाने के मुताबिक इसका असल नाम नादरा या शर्फ-उन-निसा था। वो एक ईरानी ताजर की बेटी थी। सफर के दौरान इसके बाप को डाकुओं ने कत्ल कर दिया। बाद में अनारकली को राजा मानसिंह के हाथों फरोख कर दिया गया। राजा मानसिंह ने उसे तोहफे में बादशाह अकबर को पेश किया। नादरा या शर्फ-उन-निसा की खूबसूरती की वजह से अकबर ने उसे अनारकली का लकब दिया। अनारकली अकबर की पसंदीदा रकासा थी। हैरत अंगेज बात यह है कि अनारकली की खातिर अकबर आजम और शहजादा सलीम में जंगें तक हुईं, मगर इस दौर के मौरखीन ने इसका जिक्र तक ना किया। इस दौर के गैर दरबारी और आम अहले कलम या मौरखीन भी इस वाक़े पर खामोश हैं। अनारकली का जिक्र सबसे पहले एक अंग्रेज सैयाह विलियम फिंच ने सन 1611 में किया। इसने लिखा कि लाहौर में एक मकबरा देखा जिसके मुतालिक बताया गया कि बादशाह ने इस कनीज को शहजादे के इश्क के जुर्म में दीवार में चुनवा दिया। बाद में मजीद यूरोपी सयाहों ने भी इस किस्से को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया, मगर बरसगीर के लोग इससे लाइल्म रहे। दो सदी बाद अदब में अनारकली का अफसाना मकबूल होने लगा और मुख्तलिफ मौरखीन ने भी इस वाक़े को बयान किया। हालांकि इससे पहले बरसगीर में अनारकली नाम के किसी किरदार को लोग जानते तक न थे। अंग्रेज सयाहों की लिखी एक फर्जी दास्तान सदियों बाद बरसगीर के लोगों की तारीख बन गई। अब सवाल यह है कि अगर अनारकली अफसाना है तो लाहौर में मौजूद मकबरा किसका है और उसे अनारकली का मकबरा क्यों कहा जाता है? बास मौरखीन के मुताबिक ये मकबरा शहजादा सलीम की बीवी साहिब जमाल का है, जो जहांगीर ने खुद तामीर करवाया था। इसके अनारकली से मंसूब हो जाने की एक वजह यह भी बताई जाती है कि यहाँ अनारों के दरख्त होते थे, जो बाद में नहीं रहे। ये किस्सा और इससे मुतालिक अफसानवी रिवायत चंद किताबों के अलावा कहीं नहीं मिलते। वो दीवार जिसमें अनारकली को जिंदा चुनवा दिया गया था, इसके आसार भी नापैद हैं। बाज रिवायत के मुताबिक अनारकली का जिस सन यानी 1599 के आसपास इंतकाल हुआ, इस वक्त अकबर बादशाह लाहौर में मौजूद ही नहीं था। रिवायत के मुताबिक शीश महल के आईने में अनारकली और शहजादा सलीम को एक दूसरे की जानिब मुस्कुराते हुए देखा गया। दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त शीश महल तामीर ही नहीं हुआ था। अनारकली की दास्तान में बेशुमार ऐसे वाकयात हैं जो कभी पेश आए, ना ही इनके शवाहिद मिलते हैं। अनारकली की कब्र पर शहजादा सलीम ने एक शेर लिखवाया कि अगर महबूब की शक्ल देख लूं तो ताहशर रब का शुक्र अदा करूं, जिससे अंदाजा होता है कि इस कब्र में दफन खातून कोई आम नहीं बल्कि बहुत खास थी। अब दिलचस्प बात यह है कि अगर लाहौर में वाकई मकबरा अनारकली का ना भी हो तो यकीनन किसी अहम खातून का है, मगर इसका कहीं कोई जिक्र क्यों मौजूद नहीं? सदियां गुजर चुकी हैं और शायद ही अब कभी हम इस हकीकत तक पहुंच सके कि इस कब्र में कौन दफन है। ये मकबरा भी अनारकली को जिंदा चुनवाए जाने के अफसाने की तर्दीद है, क्योंकि खुदाई के बावजूद इसमें से किसी दीवार के आसार नहीं मिले।